পাঁচজন यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज हम एकजुट हुए हैं। हमारे बहुत सारे टीचर्स जो परमानेंट हैं उनका प्रमोशन वर्षों से नहीं हुआ है। हमारे जो एडहॉक टीचर्स हैं उनके हम डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द उनको परमानेंट किया जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो वन टाइम रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत ही इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम चाहते हैं कि कैंपस में लगातार सोशल जस्टिस के सवालों की जो अवहेलना हो रही है उसको दुरुस्त किया जाए। एमफिल पीएचडी के इंक्रीमेंट्स जो हैं वो काउंट नहीं हो रहे, उनको ऐड किया जाए। फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं जिनके लगातार बहुत सारे हितों पर अटैक हो रहा है, उस पर जो है डीयू प्रशासन उसके प्रति सचेत हो, लगातार उस पर हरकत में आए। ये हमारी कुछ मांगें हैं, और भी बहुत सारी मांगें हैं जिनको लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। और हम चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक ही नहीं बल्कि छात्र और कर्मचारी भी इस आंदोलन को मजबूत करने के लिहाज से इस आंदोलन के साथ जुड़ें, और आने वाले दिनों में इससे भी बड़े आंदोलन की तैयारी में हम साथ आएं। See, today we are having this protest in Delhi University campus primarily because of the kind of conditions that our vice chancellor has been doing. The promotions have not been taking place, the arrears have not been paid, and for other issues of recoveries and things we are protesting here. But there is a large scale policy change that is going to take place, and because of this policy change you are seeing the kind of protest in the last few years. And with the draft education policy that is on the anvil, the protests will increase if the government do not take the suggestions from the teachers and the students organization. See, the 20th notice of Delhi University, it claims that now all positions rising out of 20 after the 28th of August, the positions will be on the guest basis, not on ad hoc basis. That has, you know, because we have over 4,000 teachers, substantive positions must be filled up either on permanent basis or on ad hoc basis, not on guest basis. That's our demand. Our demand is to withdraw the 28th letter of the Delhi University. पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज चौपट होंगी तभी जाके प्राइवेट का जेब भरेगा, वहाँ पे स्टूडेंट को जाना पड़ेगा, एक महंगी शिक्षा खरीदनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से 23 IITs ने देखते देखते न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 आई है, उसके जो प्रमुख रिकमेंडेशन है अपने यूनिट के लिए अडॉप्ट कर लिए हैं, जिनमें से एक है कि टेन्यू ट्रैक हो टीचर्स के लिए। स्टूडेंट्स की फीस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो मैं ये समझती हूँ कि किस तरीके से पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज को चौपट करने का इस सरकार ने ठान लिया है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज को चौपट करके कमर्शियलाइज करने का एक तरीका निकाला है, और हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ खड़े हैं। एक बड़ा प्रदर्शन हमारा पहले भी हुआ 1 तारीख को एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि यहाँ 4500 आधा टीचर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10,000 में से आधा टीचर लगभग जो है पिछले 10 सालों से एडहॉक पे पढ़ा रहा है, उसकी नियुक्ति नहीं हुई है, परमानेंट नहीं हुआ है, और आज के दिन में सरकार उसको भी गेस्ट बनाने पे तुली है। तो हम ये चाहते हैं कि एक वन टाइम रेगुलेशन आए, और हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन सारे साथियों को जो पढ़ा रहे हैं और जितना रेटिंग रैंकिंग यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस है इन सारे साथियों के साथ मिलकर होता है, हम चाहते हैं कि उनका परमानेंट हो। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हम बहिष्कार करते हैं, ये अडॉप्ट नहीं होना चाहिए। तमाम एजुकेटर्स ने लिखा है कि किस तरीके से ये स्कूल का, पब्लिक स्कूलों का और पब्लिक हायर एजुकेशन का बाजारीकरण का एक तरीका बनेगा, देखते देखते दिल्ली यूनिवर्सिटी को फ्रेगमेंट किया जाएगा, एक एक कॉलेज को अलग कर दिया जाएगा और वो प्राइवेट पॉकेट में होगी। पिछले कई सालों से हमारे टीचर्स परमानेंट तो हो गए हैं, लेकिन उनको दे आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर प्रमोशंस। प्रमोशन में अभी इनकी स्कीम भी आई थी कि PhD इंक्रीमेंट्स लगाए जाएंगे और इनको एरियर्स भी दिए जाएंगे, लेकिन वो नोटिस को भी यूनिवर्सिटी दबा के बैठ गई है और उसको रिलीज नहीं किया जा रहा।
इसी के साथ जो हमारे सेवन्थ पे कमीशन के एरियाज थे वो अभी तक इतने टाइम हो गया और हमारे साथियों को दिए नहीं गए हैं। इसी के आगे बढ़ाते हुए जो हमारे रिटायर्ड स्टाफ है वो हमारे कितने साल हो गए रिटायर्ड और कई तो उनको डेथ भी हो गई है लेकिन उनको पेंशन्स अभी तक रिलीज़ नहीं की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है, SLP डली हुई है, वो सब क्लियर हो चुके हैं। सिर्फ यूनिवर्सिटी को अपना स्टैंड क्लियर करके वो केसेस वापस लेने हैं सो दैट कि उन सभी को पेंशन्स मिल सके। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल नकारा हो चुकी है, हमारे VC साहब बिल्कुल टीचर्स के प्लाइट से बिल्कुल इनडिफरेंट है और वो बिल्कुल किसी के लिए भी कुछ भी नहीं करना चाहते और इसीलिए हम टीचर्स को जो कि बिल्कुल जिनका काम सिर्फ पढ़ना पढ़ाना है हम लोगों को इतना एजिटेशन के लिए सड़कों पर निकलना पड़ा है और ये बहुत ही सिस्टम के लिए बहुत ही दुख की बात है कि जो सबसे एक इलीट सेक्शन है पढ़ाने वाला उनको अपनी मांग को मनवाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। See, we have already given the university and the MHRD notice period. Our next action program will be on the 16th of October. And then from say 22nd to 24th, we'll be having a series of cluster colleges. We'll be meeting and then decide our future action program. नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नौकरी छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते।